हाँ यार सुदर्श, कल हमने पढ़ा था डाक का अनोखा टिकट। वहां से आगे हम आज पढ़ेंगे। इस मजमून का छपना था कि हाथी का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और रोज सैगुन जापानी शिवो या स्टेशन जाने लगे। हाथी को देखने के लिए लोगों का तांता बना रहता, लेकिन हाथी उन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतजार करता रहता। अब तो सारे जापान में हाथी का नाम मशहूर हो गया। 1933 ईस्वी में जापान के एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नमाज के लिए हाथी मुजस्मा तैयार किया। ये मुजस्मा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्मा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया, ताकि इसका मुजस्मा शिबू प्यार स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए। 21 अप्रैल 1934 को इस नकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्मे की नकाब कुशाई के वक्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर इसी तरह एक मुजस्मा अड़िया की शहरियों ने बनाया, क्योंकि हाथी उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाथी की मकबूलियत का यह आलम था कि हाथी के नाम से जापानियों ने तरह तरह चीजें बनानी शुरू कर दी। हाथी चॉकलेट, हाथी बिस्कुट, हाथी खिलौने, गरज बेशुमार चीजें इसके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाथी की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कहीं और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबकी जुबान पर चढ़ गए। यहां तक कि एक फिल्म में भी हाथी को पेश किया गया। स्टूडेंट्स, कुछ इसमें मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे इस्तकबाल, स्वागत करना, मामूर, जो बात रोजाना की जाए, मुदस्सिर करीब, नकाब कुशाई करना, पर्दा उठाना, मुंतजिर इंतजार करना। यानी ये मजमून जब अखबार में आ गया तो ये खबर जो थी पूरे मुल्क में फैल गई, और हर दिन सैकड़ों लोग जो थे उस स्टेशन पर आते और हाजी को देखते। 1933 में जापान के मशहूर फनकार ने जापान के नमाज के लिए हाथी मुजस्मा तैयार किया। 1933 में वहां जापान में नमाज हुई, उसमें एक फनकार ने हाथी का उस कुत्ते का मुजस्मा तैयार किया, पुतला तैयार किया। वो पुतला जो था, वो मुजस्मा जो था, वो इतना मकबूल हुआ कि जापान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने पीतल के मुजस्मे बनाए। किसके? पीतल के उस कुत्ते के मुजस्मे बनाए और मुख्तलिफ जगह पर उनको नस्ब किया गया। और कहते हैं कि फिर इसी तरह क्या एक मुजस्मा अड़िया की शहरियों ने बनवाया। यानी यहां वो कुत्ता पैदा हुआ था हाथी, जगह का क्या नाम था? अड़िया, क्योंकि वो कुत्ता वहां ही पैदा हुआ था। उसके बाद हाथी के नाम से जापानी ने तरह तरह की चीजें बनानी शुरू कर दी। जापान में मुख्तलिफ किस्म की चीजें अब उस नाम पे बनाने लगी। किस नाम पे? हाथी के नाम पे। जैसे हाथी चॉकलेट, हाथी बिस्किट, हाथी खिलौने, बहुत सारी चीजें हाथी के नाम पर बनाई गई। यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि शायरों ने हाथी की वफादारी के पर अच्छी अच्छी नज़में कहीं और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबके जबान पर चढ़ गए। यानी मुख्तलिफ किस्म के शायरों ने उस पर शायरी भी की, गीत भी लिखे, और हर एक की जुबान पर हाथी का नाम हुआ। यहां तक कि एक फिल्म में भी हाथी को पेश किया गया, यानी एक फिल्म में भी हाथी को दिखाया गया। लेकिन हाथी उन तमाम बातों के बाद इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। लगातार ये चीजें साथ साथ चलती रही, लेकिन हाथी बिल्कुल रोजाना अपने मामूल के मुताबिक घर से आता था स्टेशन पर, पूरा दिन बैठा इंतजार करता, शाम को चला जाता था। वो ये साल ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। ये सिलसिला जो था, ये कितने साल जारी रहा? 10 साल। वो मरते दम तक अपने मालिक को ना भूला। 1935 में हाजी मर गया, यानी 10 साल के बाद 1935 में उसकी वफात हो गई। वो मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज्मों में हाजी अब तक जिंदा है। वो क्या है कि लोगों के दिलों में आज भी है। हाजी का जिस्म टोक्यो की कौमी अजायबघर में महफूज कर दिया गया, वो वहां इसी तरह खड़ा हुआ है जैसे अभी भी अपने मालिक का मुंतजर। यानी उसका जो मुजस्मा था वो वहां के अजायबघर में, जापान के अजायबघर में अभी भी है। यानी इस तरह उन्होंने रखा कि जैसे आज भी वो इंतजार कर रहा है अपने मालिक का।
जापान की हुकूमत ने हाजी का यादगारी टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। यानी जापान के गवर्नमेंट ने, वहां की हुकूमत ने यानी क्या किया, उस मुजस्मे को, एक तो मुजस्मे को रखा और फिर डाक का टिकट जारी करके पूरी उम्र के लिए उसका नाम क्या कर दिया, रोशन कर दिया।